कुछ बड़े प्रश्न जरूर उठते हैं। किसी लेख को दिखा देना आपके घोटाले का उत्तर नहीं हो सकता। उस घोटाले को छोटा बता के 1 करोड़ का कह देना एफआईआर में लिखा है उत्तर नहीं हो सकता। दूसरे विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, ये उत्तर नहीं हो सकता। और अरविंद केजरीवाल जी शीशे में खुद को देख के बड़ा नेता समझते हैं, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, जनता की आंखों से खुद को एक बार देखें तो बहुत बौने मिलेंगे, बहुत बेईमान मिलेंगे और बहुत कायर मिलेंगे, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे। देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि अभी तो बहुत कार्ड खेले जाएंगे, विक्टिम कार्ड भी है, बाकी कार्ड भी है, लेकिन ईमानदारी की नीयत से इसी मंच से बार बार ये सवाल पूछेंगे और जो सवाल सामने आएंगे जनता की आवाज बन के हम लोग पूछते रहेंगे। और जब भ्रष्टाचार होता है तो उससे प्रताड़ित हर व्यक्ति होता है। ये भ्रष्टाचार का नया फॉर्मूला आम आदमी पार्टी का हो सकता है, जिसमें वो जात लाएं, धर्म लाएं, विदेशी ताकतें लाएं, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और अरविंद केजरीवाल जी की चुप्पी ये सिद्ध कर रही है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा, आज का जो विषय है वो हमने पुरजोर तरीके से उठाया है और भारतीय जनता पार्टी में ये ताकत है, जब जनता के बीच में जाती है तो जनता का आशीर्वाद पाती है। अरविंद केजरीवाल जी की तरह गाली नहीं मिलती। चुनाव जो है लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे भी, लेकिन जो आज सवाल है उसका उत्तर देंगे। नीरज, बहुत धन्यवाद। नीरज जी, देखिए, मैंने स्पष्ट किया अभी कि जो मुख्य बिंदु है वो अरविंद केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार है और हम उसी पे रहेंगे। और ये राजनीतिक द्वेष की जो आप बात करते हैं, मैं पुनः कहूंगा, राजनीतिक द्वेष है। सत्येंद्र जैन 3 महीने से जेल में है, कट्टर ईमानदार थे। मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच चल रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजनीतिक द्वेष है लेकिन बेल पे बाहर है। पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम, राजनीतिक द्वेष है लेकिन मामला रद्द नहीं हुआ। और तमाम ऐसे उदाहरण, ये कुछ नहीं है, ये केवल एक संकेत देता है कि अरविंद केजरीवाल के पास हमारे प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं है और वो कट्टर बेईमान है। इसमें गौरव जी, मेरा निवेदन है, अगर वो इसको राजनीतिक द्वेष मानते हैं तो कह दे कि मनीष सिसोदिया कभी ओबराय नहीं गया, वो कह दे उसका अरोड़ा बंधुओं से, विजय नायर से कोई संबंध नहीं, को जानते ही नहीं है वो। डिनाई कर दे प्रेस मीडिया में, कह दे हम तो जानते नहीं उनको, हम पे झूठे बीजेपी कह रही है और कभी भी हम ओबराय होटल नहीं गए, कभी भी हमारी 10 मीटिंग नहीं हुई, मना कर दे वो, कौन कह रहा है। बस सब इनका मास्टरमाइंड तो केजरीवाल है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था, उसमें पहली मीटिंग के अंदर केजरीवाल था, उस मिनट्स को बाहर किया गया, एक नया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया जिसका हेड सिसोदिया को बनाया गया था। केजरीवाल जानबूझकर बाहर आया था और मालूम है ये सब कुकर्म केजरीवाल ने कह के कराए कि चिंता मत करो, मैं आऊंगा, मैं हरीश चंद्र हूं, लोग मेरे को मान लेते हैं, आज तक देश के लोगों ने माना है कि ईमानदार आदमी है। तो इसीलिए 100% सतर्क जैन इसलिए नहीं हटाए जा रहे और मनीष सिसोदिया से इसलिए नहीं माना जा रहा है, वरना वहां पर दीदी का भी एग्जाम्पल देख लेते एक बार, लेकर दीदी के पास हाथ मिलाने को गए था, दीदी ने तो हटा दिया मंत्री को, तो ये क्यों नहीं हटा रहे। वन लास्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग, देखिए नीरज जी, आपने जो बात करी है, मैं आज के मुद्दे पर रहते हुए केवल एक बात कह के अंत करूंगा इस प्रेस वार्ता का। अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी, मनीष सिसोदिया जी भ्रष्टाचारी, कोई परिवार इनको घर में घुसने नहीं देगा। भाजपा जो परिवार है ये पूरे विश्व का सबसे सम्मानित, सबसे बड़ा परिवार है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। धन्यवाद।
एबीपी सांझा, जोश जज्बा जुनून।